Hello, Anwar Tuba and Mr. Asad. Hello, hello. I know. Very constant support. Hi, letters of June. Hello, girl. Oh, I missed you guys. King, how are you? Oh my god. Chale, I'll wait for more people to join in so that I can start. Because thank you so much, guys. I'm feeling nervous. Oh my god. I don't know what to say. I just want to say thank you so much for waiting ki main aa jaun on. How does it feel? I am nervous right now because this is my first time going live here. Aur uske alawa overall it's been great to be back. Ghar aake I'm feeling a lot better now. खैर तमाशा घर में भी ठीक था सब कुछ बिकॉज आई बिन ट्राइंग टू यू नो स्टे इन माई ओन वर्ल्ड मैं नाहिल वजीहा फील अच्छा सो देर आर लॉट ऑफ नेम्स जो कि मुझे लेने हैं जो कि मुझे नहीं पता ठीक है तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं उनको मैसेजेस के अंदर से ही देख के बताती रहूं बट देर आर फ्यू नेम्स लाइक वजीहा फील जी एडिट्स और उमर एडिट्स I really want to thank you guys because you've been like doing so much मतलब मैं भी नहीं सोच सकती थी कि people are going to love me this much और वो इतनी effort डाल के खुद जाके even के episodes में से uncuts में से सारी की सारी videos निकाल के you guys have been मतलब amazing आप लोगों ने इतनी प्यारी प्यारी मेरी videos बनाई हैं बची हाँ vlogs by Ayalia hello Hello. Oh my. अच्छा मुझे थोड़ा मुश्किल भी हो रहा है नाम पढ़ना बट आई एम गोना ट्राई बानिया शेख 46 हेलो हाउ आर यू गाइज आई लव यू टू ओ माई गॉड देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल कमिंग इन थैंक यू सो मच व्हाट इट पता नहीं थोड़ा सा गुस्सा था तो उसके अलावा कुछ भी नहीं था इट वॉज नथिंग आई ट्राइड मतलब कि मैं उतना भी गुस्सा ना करूं बिकॉज एज यू गाइज नो मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ जब मैं इस तरह से बात करती हूँ मेकअप ट्यूटोरियल अभी से अच्छा हाँ आई एम गोना ट्राई थैंक यू सो मच फातिमा बट कह रही है कि मैं उनका नाम लूँ हेलो गर्ल अच्छा आई रियली वांट टू थैंक यू गाइज फॉर ऑल द सपोर्ट जो कि आप मुझे अभी भी शो करा रहे हो एंड द लव दैट यू गाइज शोन मी मैं जब अंदर जा रही थी आई वॉज रियली स्केर्ड कि पता नहीं क्या होगा बिकॉज सिंस माई सिस्टर वॉज ऑल्सो वी आर थ्री सिस्टर्स और मेरी सबसे बड़ी बहन है शी इज मैरिड वो बाहर होती हैं वो आई नहीं थी मैं उनको छोड़ के जाने में मुझे बहुत मसला हो रहा था आई वॉज स्केर्ड और आई रियली वॉन्टेड टू कम बैक मतलब मैं बाहर आना चाहती थी बट फिर उसके बाद जब आप लोगों ने मुझे सेव करना शुरू किया तो देन आई ट्राइड प्लेइंग फॉर यू गाइज क्योंकि मुझे जो कॉन्स्टेंट सपोर्ट मिल रही थी वहाँ पे दैट रियली शोड कि यू गाइज वॉन्ट मी देयर इनसाइड द हाउस बट और आप मुझे इतनी दूर तक लेके गए विच मतलब कि आई वॉजन्ट केपेबल ऑफ इट वॉज ऑल यू गाइज इट वॉज ऑल योर सपोर्ट इट वॉज ऑल योर लव सो थैंक यू सो मच फॉर दैट और आई कॉन्ट थैंक यू गाइज इनफ कि इतना प्यार आप लोगों ने मुझे दिखाया इतने खूबसूरत मुझे एडिट्स जो मैं अपने देख रही थी बाहर आगे आई हैव ऑलवेज बीन वेरी कॉन्शियस कि मेरा कौन सा साइड अच्छा है कौन सा साइड अच्छा है लेकिन उन एडिट्स के अंदर मुझे तब भी मतलब कि लाइक इट वाज ऑल योर लव तो मुझे वो भी इतने प्यारे लग रहे थे यू गाइज मेड मी फॉल इन लव विद माई सेल्फ सो दैट वॉज अमेजिंग सो अभी तक मतलब मैं सारी चीजों को नहीं देख सकी बिकॉज आई बिन ट्राइंग टू स्पेंड मोर टाइम विद माई फैमिली माई फ्रेंड्स आई बिन ट्राइंग टू यू नो डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ फ्रॉम ऑल ऑफ दैट आई वॉन्टेड यू नो टेक सम टाइम फॉर माई सेल्फ तो मैं सारी चीज़ें नहीं देख सकी सारे रिप्लाइज मैं खुद नहीं कर सकी मैं मैसेजेस नहीं देख सकी सबके सो आई एम सॉरी फॉर दैट आई एम गोना ट्राई टू रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू और आई एम गोना
I'm gonna try to see all the edits and all the messages myself. So thank you so much. Thank you, prettiest of all time. Thank you so much, Amina. Malaika Shahzad. Malaika Shahzad. Thanks, girl. Yes. You know exactly मैंने किस बात का जवाब दिया. अच्छा तो मैसेजेस बहुत जल्दी जल्दी ऊपर चले जाते हैं. सो दिस इज माई फर्स्ट टाइम. थैंक यू ब्रो. थैंक यू. यू नो उफ सामा थैंक यू सो मच. ओसामा की अम्मी ने ओसामा को शायद फैन बना दिया था इस शो का. ओके आई वॉन्ट यू गाइज टू मीट. ओह ओके वो चला गया. आई विल मेक यू गाइज मीट माई कैट जिसके ऊपर सारे ने किसी ने वीडियो बनाई थी दैट आई एम ऑब्सेस्ड विद माई कैट विच आई एम आई एम. वेन एवर भाई आप जब भी फ्री हैं गोना सी योर रियूनियन. अच्छा मैं एक्चुअली आई मेट मानूर एंड जोया इन कराची बट उस वक्त इतनी रात हो गई थी वी कुड नॉट शूट एनी वीडियो और एनीथिंग बट आई विल श्योरली देयर इन कराची और मैं लाहौर में हूँ. आई एम होम और मैं जैसे ही कराची जाऊंगी आई एम गोना श्योरली मीट बोथ ऑफ देम. आई रियली मिस देम ऑलरेडी. मैं आज भी उनको मैंने लाइक पर्सनली मेरे मैसेज किया था बिकॉज आई सॉ अ लॉट ऑफ वीडियोस उनकी भी आ रही थी मुझे और क्या है वो भी चाहती हैं कि मैं उनसे मिलूँ. आई एम डाइंग टू एक्चुअली सी देम. हेलो गर्ल. Oh, I miss. Oh, अच्छा I didn't know that I'm gonna miss तमाशा. ठीक है I only miss the people. ठीक है I don't miss the whole game. I miss it कि मैं बाहर आ गई हूँ बस. I just wanna meet my people. That's it. इतनी हद तक मैं miss कर रही हूँ. I've only met a few people. क्या है miss you too. अगर मुझे आसमो बुलाएं yes I will surely go. और हाँ दानिया के साथ मेरा एंड पे आके बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी. आई रियली मिस हर टू. टेल माय नेम मिशेल उनो मुनीर. मिशेल नो मुनीर. आई एम सॉरी. व्हेन आर यू गोइंग बैक. You said that you're going back in 2 weeks. Oh my God! Why don't you come to Lahore? You have been a bitch, ma'am. Thank you so much. Thank you so much for supporting me. और अभी भी आप मुझे इतना प्यार दिखा रहे हैं. And I hope, hopefully, ये प्यार चलता रहेगा ऐसी तरह. साइमा के साथ मैंने कब लड़ाई की है मुझे तो याद ही नहीं है. कराची बस हम. हाँ मैं खुद नहीं जाना चाहती. मैं इसीलिए कह रही हूँ प्लीज लाहौर आ जाओ ताकि मैं अपने घर में रहूं और मैं यहां से मिलूं सबसे. आई मिस यू मोर नो Say my name. Achha, Yusuf. Yusuf. तुम मुझसे मिल तो लो पहले. देखें आप बोले हुमना को कि वो लाहौर आए सो दैट आई कैन सी हर. हुमना यू कैन स्टे एट माई प्लेस. यू कम टू लाहौर. हाँ माशाल्लाह हुमना के लंबे बाल बहुत प्यारे हैं. हुमना यू नो इट. से माय नेम प्लीज. उसामा बट. ओह माय गॉड. वेलवेट वाइब्स. थैंक यू सो मच गाइस. मतलब मैं आई डोंट नो व्हाट टू से. मुझे बस मैं मैसेजेस ही पढ़ी जा रही हूँ. व्हाट डू यू गाइस वांट टू नो एनीथिंग. देखो कोई क्वेश्चंस हैं आपके. मुझे पता है दैट यू गाइस वांट अ री यूनियन और
एक्चुअली ये सारे मुझे पता है, बाकी सारे कंटेस्टेंट्स जो हैं आपस में मिल रहे थे, दे वर सेलिब्रेटिंग अकील ऑल्सो, बट मतलब आई वॉज बैक होम, सो जिसकी वजह से मैं वहां नहीं जा सकी. अगर मैं होती तो मैं भी वहां पे मिलती सबसे. अनम कैसी लगी आपको? सब ठीक है. आई हैव हैड गुड टाइम विद एवरीबडी. जितना भी हम लोग साथ में टाइम थे, आई वैल्यू ऑल ऑफ दैट. इट वॉज अ गेम और सबको सब अपनी अपनी गेम खेल रहे थे. एंड आई डोंट हैव से समथिंग अबाउट अकील. ही इज अ गुड एंटरटेनर. हम ना फेवरेट कंटेस्टेंट. आई लव मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग कि मैं वहां पे लाइक 2 वीक्स के लिए भी रह सकती हूँ. तो फिर मेरे लिए टू बी इन टॉप 3 इज रियली समथिंग. लाइक मैं हर एलिमिनेशन के ऊपर मुझे होता था कि आई एम गोइंग होम, आई एम नॉट गोना गेट दैट सपोर्ट, आई एम नॉट गोना, मतलब कि आई फेल्ट लाइक दैट आई वॉज लैकिंग इन अ फ्यू थिंग्स लाइक एंटरटेनमेंट और लाइक फाइट एंड एवरीथिंग. एंड तमाशा इज ऑल अबाउट, आई फील लाइक तमाशा इज ऑल अबाउट दैट. सो मुझे हर बार ऐसा ही फील होता था दैट आई एम गोइंग होम, लेकिन मैं सेफ हो जाती थी. एंड देन बाकी सारे कंटेस्टेंट्स को भी ऐसा फील होता था दैट आई मैं उस तरह प्ले नहीं कर रही शायद. सो तो मुझे ऐसा फील होता था दैट आई एम गोना गो, लाइक मैं जा रही हूँ. बट टू बी ऑन टॉप 3 मतलब कि मेरे लिए भी काफ़ी शॉकिंग था. बट आई वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी कि मुझे इतनी सपोर्ट, इतना प्यार मिल रहा है. सो दैट वॉज रियली समथिंग. और विनर और नो विनर, आई फेल्ट लाइक अ विनर व्हेन आई गॉट टू नो दैट आई हैव गॉट ऑल योर सपोर्ट. आप लोगों का प्यार मुझे मिल रहा. तो जी हाँ, योर बिगेस्ट सपोर्टर वॉज योर सिस्टर अनम. यस 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 आई नो. हेलो गर्ल, हाय माही, हाउ आर यू गर्ल्स. यार अब मुझे यहाँ पे अपना बुरा लग रहा है. व्हाई आर वी, मतलब आई डोंट गेट टू कुछ ज्वाइन करना है. गाइस प्लीज ज्वाइन कर लो. इस तरह तो मुझे मजा नहीं आ रहा. आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ. आई एम लिटरली लाइक, मतलब मैं स्क्रीन में देख रही हूँ. आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ. प्लीज से माई नेम. आयशा शेख गर्ली ज्वाइंड. लुक हु ज्वाइंड अस. How do I? So I'm gonna try to add. So आप लोगों को क्या लग रहा था कि हमारे साथ अभी join करने वाले कौन होंगे? Please, please, please मुझे message करके बताइए. यहाँ पे मुझे messages में आना चाहिए कि आप कौन समझ रहे थे कि हमारे साथ आज कौन join in करने वाले हैं. प्लीज 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 मुझे, आई वॉन्ट आंसर. मोर आई वॉन्ट मोर आंसर. से माई नेम सोहा. लुक गर्ल, अयाज. यस यू गाइस आर राइट, इट्स अयाज. चले अब हम और देर नहीं करते और अयाज को भी हम अपने लाइव सेशन में लेके आते हैं. न्यू टू मी, मुझे समझ नहीं आ रही क्या करना है. आई थिंक आई डिड द राइट थिंग. जोया बीबा हबीबा. हेलो लाला, अस्सलाम वालेकुम. लाला हाउ आर यू? लाला मेरी पिक्चर चली. हाउ आर यू ब्रो? वो अच्छी हो गया, आ रही हो गया. आई एम गुड, हाउ आर यू? मैं भी बिल्कुल ठीक. क्या चल रहा था ब्रो? क्या चल रहा था? अभी अपना बच्चा छुपा के आया हूँ मैं. क्यों कर रहा था? अम्मा के पास बिठा के आया हूँ उसे. नहीं यार, आने देते, बड़ा मजा आता है. इन लोगों को भी पता चलता है क्या तुम्हारी क्या एंटरटेनमेंट चल रही होती है पूरी जिंदगी. अरे माशाल्लाह वो आता है ना, वो फिर हम दोनों चुप बैठे तो वही बातें कर रहा था. आज
इट्स नॉट लाइक कि हमने आज के दिन में ये पहली दफा हम बात कर रहे हैं, ये यस हमारी दूसरी तीसरी कॉल है, ठीक है? यस जस्ट सो एवरीबॉडी नोस, ठीक है? तो उससे पहले भी चल रहा था कॉल के ऊपर, मुझे वजीहा से बात करनी है, मुझे वजीहा से बात करनी है. वो कॉल तो उसको सिर्फ वजीहा से बात करनी थी, तो मुझे वजीहा से बात करनी है, मुझे हेलो कहना है. भाई यार तमाम पीपल जितने भी वांटेड टू लोग हेलो स्टे कर रहे लेट. हैं, यस जितने लोग हेलो कर रहे हैं उन सबको हाय हेलो सलाम अलैकुम. वालेकुम यार भैया सलाम आप जी. यार भैया आप वीडियो में तो बहुत प्यारी लगती हैं यार, रियल में इतना नहीं है. भाई ये तुम्हारे लिए भी सेम जाता है, ठीक है? रियल लाइफ में कुछ नहीं है, सिर्फ वीडियो में ही है. इन लोगों से तुम मिलो ना तो पता चले तुम्हें. हम दो फोटोजेनिक लोग हैं, इसकी सारी पर्सनैलिटी जो है वो नजर आती है तस्वीरों में और वीडियो में. भाई को आप असल में देखे ना, आप कहेंगे भाई भाई किधर गया आधा. अच्छा यार भैया भैया मेरे एक दोस्त है अली खान, सही है? वो स्पेशली आपके बहुत बड़े फैन है, तो उस वक्त चैट में भी ना बार बार मैसेज कर रहे हैं कि अयाज भाई भैया को हाय कहते हैं, तो अली की तरफ से आपको हाय, ठीक है? ओके हेलो अली, हेलो हेलो. इसकी अब मुझे अनकरीब अनकरीब इसकी अनकरीब तो नहीं, खैर फेब में इसकी शादी हुई है, तो अभी थोड़ा ना हमारी भाभी से डरता भी है ये, तो इसलिए वाया मुझे उसने हाय करवाया है. अली देखिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्या है आप ऐसे आके हेलो बोले, आई डोंट थिंक सो कि कोई मसला होना चाहिए. आप भजिया बाजी करके हेलो कर दिया करो. हाँ आप भजिया बाजी कर लें आप, फिर मसला नहीं होगा किसी को भी. कहते बाजी कोई मसला नहीं. यार भजिया अल्लाह मुझे एक बात बताओ, आप जी हम तो खैर आपसे 3 दिन पहले निकल गए थे, ठीक है? जी जी. और आपने 3 दिन हमसे ज्यादा गुजारे. आपने हमसे 3 दिन ज्यादा गुजारे, क्या क्या कर लिया? भाई तब भी टॉप 3 में ही आई. कुछ भी नहीं कर रही, कुछ भी. तो बात 3 दिन जल्दी आ जाती घर पे. 3 दिन और 3 दिन और मतलब वो मतलब भाई बस समझ लो. यस 3 दिन और ट्रॉमा. 3 दिन का ट्रॉमा और मिला मुझे. यस अच्छा मुझे मजे की बात है, जिस दिन मैं निकला वहां से, उसी रात नहीं उसके अगले दिन मैंने देखा रात में बाकायदा डिनर पे बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी. वो उसने बनाई थी जो मतलब जो बादशाह सलामत ने किया था. नहीं, आई गेस अरसलान की लड़ाई हुई थी शायद, अरसलान और सैमा की नोक जो हुई थी किसी बात पे. वो मेरा तो ब्रेकफास्ट नहीं के ना? टाइम था वो, ब्रेकफास्ट के टाइम पे हुई थी ना, ब्रेकफास्ट के टाइम तो ब्रेकफास्ट था. अच्छा मुझे लगा डिनर था. सॉरी मैंने वो लेफ्ट ओवर थे पाठक सलामत के डिनर के, तो उसके ऊपर. भाई वो अच्छा इतना कोई बेस्ट दिन चल रहा था हमारा. समवन वांट्स टू सी योर डैड. ओ दिखाएं जी भाई आप टॉक. हवा आर यू देयर? अच्छा हां भाई मैंने सम्मो को भी बहुत मुश्किल से कन्विंस किया था कि सम्मो लेट्स डू इट टुगेदर, इट्स गोना बी फन. सो मुझे नहीं पता महनूर और ज़ोया की क्या कमिटमेंट थी, इसलिए आई कुड नॉट टॉक टू देम. मुझे था कि इतने शॉर्ट नोटिस पे अगर मैं कुछ भी बोलूंगी तो दे आर नॉट गोना बी रेडी. सो मतलब कि जिसकी वजह से है, लेकिन हम फॉर श्योर आई विल ट्राई टू डू अ लाइव सेशन विद महनूर एंड ज़ोया आल्सो, जिसमें हुमना माही भी आए, हम सारे एक साथ. कैन वी लाइक बी लाइक ऑल टुगेदर, ऐसा हो yes. सकता है? बट दिस इज माय फर्स्ट इंस्टाग्राम लाइव, मुझे आइडिया बिल्कुल भी नहीं कि कितने लोग एक साथ लाइव आ सकते हैं. मुझे तो दो का भी नहीं पता था. मैं मुझे तो दो का समझ नहीं आ रही, मैं सही कर रही हूँ सब कुछ. आप लेकिन फर्स्ट टाइम है? yes. आप भी फर्स्ट टाइम है? yes. मैं पहले आई हूँ, मेरे हाथों में पसीना आना शुरू हो गया. ओह माय गॉड मैं इतना नर्वस क्यों हो रही हूँ? ये देख भाई दोनों एक जैसे, हम दोनों एक जैसे. ये देख ले भाई ये रखा हुआ है. अच्छा मेरे पास तो टिश्यूज भी नहीं है. मेरे आसपास टिश्यू नहीं रखे हुए. यार ये एक एक सवाल है भजिया, इसने लिखा हुआ है अयाज यू शुड अपोलोजाइज टू अनम, योर बिहेवियर वाजंट राइट विद हर. क्या कहना चाहेंगी यार भजिया, ये तो डायरेक्ट वार होने लग गया भाई. अपोलोजाइज करना था किस बात का?
वो तो हमें उसको करना चाहिए था, बारी बारी हर किसी को। यार लिटरली देखो, मेरा अनम से कोई पर्सनल कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। वो कुछ चीजें हैं जो मैंने कभी भी ये नहीं कहा अनम गलत है या अनम ने कोई गलत चीज की। मैं कहता हूँ अनम की बात गलत है, देयर इज अ डिफरेंस। आप भी उसको जरा ना गेज किया करें, दो सेंटेंस बहुत अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के होते हैं। अरे हाँ, भाई दूल्हा भाई आ गए, दूल्हा भाई आ गए, भाई नहीं है दुल्हन है। अच्छा दुल्हन है, सॉरी। हाय गाइस, मीट निया, दिस इज माय फीमेल कैट अनस। अनस और आगे नाम नहीं चला गया। बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, मैं नहीं देख पा रहा। हां ऑनेस्टली मतलब कि हम लोग अगर बात करना शुरू करते हैं ना तो मैसेजेस बहुत जल्दी आते हैं। अली कह रहे यू शुड अपोलोजाइज टू वजीहा। हां और वजीहा शुड अपोलोजाइज टू यू। तुमने मुझे मेरा नाम क्यों लिया था, ये मैंने सोचा था मैं इधर ही बोलूंगी। हां तुमने मेरा नाम क्यों लिया था, किस लिए? मेरे घर वाले मुझे कह रहे थे, मेरे घर वाले मुझे कह रहे थे I has not a good friend. He took your name that you're not deserving of top 5. कितनी मजे की बात है। मेरे घर वाले, मेरी अम्मी ने भी यही कहा, वजीहा दोस्त नहीं हो सकते, जो गेम से निकाल दिया। देखो यही है आंटी, अगर आप देख रही हैं इस वक्त या अनम आप देख रही हैं इस वक्त, देखो ऐसे मैं ना बंदा बहुत सेफ खेलता है, दोस्त का नाम लेके बच जाता है। ये आया है भाई, अली अली बेहोश हो गया है व्हेन वजीहा सेड हाय। फैजान कह रहा है, फैजान जी कह रहा है अली बेहोश हो गया, ये साथ है सारे बैठे। थैंक यू गर्ली, थैंक यू उमर, थैंक यू सो मच उमर। ओह यस, ये उमर है जिन्होंने मेरे बहुत 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 प्यारे प्यारे जो थे वो, यस इज फॉर द क्वेश्चन, मतलब कि ये सवाल था, ये मेरी बहन थी मलिहा, ऐसे मेरी बहन थी अयाज, व्हाई यू टुक हर नेम। हाय मलिहा, हाय मलिहा, नाराज हुआ वजीहा से, हुआ था कितने सॉरी बोले मैंने, तुझे 100 दफा सॉरी बोला है भाई, हाथ जोड़ के सॉरी बोला मैंने। नाराज नहीं था, उदास था, देयर इज अ डिफरेंस, उदास था, नाराज नहीं था। प्लीज आप लोग कल चले जाइएगा, लेकिन हाँ आप रह लें, कोई मसला नहीं, आप अयाज को तंग करें यहाँ पे बैठ के, हम तीनों मिलके तंग करते हैं। मेरा काम क्या था इसको पोक करने के अलावा और मारने के अलावा? बहुत ज्यादती हुई मेरे साथ, बहुत ज्यादती पूरे सीजन में अगर किसी ने मुझसे मार खाई है वो है अयाज। नो दिस इज मिया, ये मिया है। मैं आज से भी आप लोगों को भी मिलवाती हूँ, पहले आप मिया से मिल लें क्योंकि अभी वो बहुत सुकून से बैठी हुई है, वरना ये देखें। ओके जी, अली कह रहा है आप भी इनवाइटेड हैं वजीहा डिनर पे फ्रॉम अस। वजीहा मत जाना। ये मेरे दोस्त है, मत जाना। ओके ठीक है, अयाज ने कह दिया नहीं जाना, अब आपने पकड़ना है किसी को तो अयाज को पकड़ना। हीरा कह रही है आज की ग्रुप पर बेस्ट क्यों आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्ली कितनी क्यूट है। हाँ शी इज वेरी क्यूट, आई लव हर, रियल तमाशा क्वीन। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। हाँ सायमा विनर है, यस सायमा वाकई, सायमा ने जिस तरह तमाशा खेला है तो सायमा वाकई, सायमा ने अच्छा खेला। इवन वजीहा सारे फाइनलिस्ट, सारे ही फाइनलिस्ट, आई थिंक सो, जो भी आए थे, जिन लोगों ने जितना भी टाइम वहाँ पे रहा, ठीक है, उन्होंने लाइक अपनी दे गेव देयर बेस्ट, ठीक है। आई फील लाइक ऑब्वियसली किसी की लाइकिंग ज्यादा होती है, किसी की लाइकिंग कम होती है, इट्स नॉट लाइक एनी बडी वॉज हेटर ऑन एनी थिंग, तो मतलब हर किसी ने अपना बेस्ट किया है। एंड आई वॉज लाइक लकी इनफ टू make some like good connections, मतलब कि मेरा मानूर, जोया, शेरी, अयाज, इवन दानिया, एवरीबडी, लाइक हर किसी के साथ बहुत डिफरेंट डिफरेंट था, लाइक हुमना, माही, हर किसी के साथ बहुत डिफरेंट अच्छे तरीके से हम रहे हैं। आई नो एपिसोड के अंदर वो चीज़ें शो नहीं होती थी, हम लोग लड़ते थे, लेकिन हम रात में मेकअप करके एक साथ ही बैठ के हम लोग खाते थे, लाइक गेम्स खेलते थे, अगले दिन हमारी टीम बन जाती थी साथ में, तो वी हैड टू यू नो टॉक टू ईच अदर, और हम उसको रिजॉल्व कर लेते थे नो मैटर वो किस तरह भी होता था।
लेकिन वो हो जाता था रिजॉल्व. तमा ये फैजान कह रहा है अयाज भाई यू आर द रियल क्वीन ऑफ तमाशा हाउस, और अली कह रहा है वजिया यू आर द रियल किंग ऑफ तमाशा हाउस. भाई तुम्हारे जेंडर खराब हो गए, तुम्हारे जेंडर खराब हो गए. वो ना हमें तंग कर रहे हैं इस तरह. यस हम नहीं तंग हो रहे, आप नहीं कर रहे, हमने एक दूसरे को ट्रेनिंग दी हुई है 60 दिनों की तंग करने की. बहन भैया से कितने आराम से बैठी हैं, कैट भाग गई. अच्छा फिजान, दिस इज फिजान, ओह माय गॉड. यस आपको क्या लग रहा है कौन है? आपने भी आके एक बात की थी फिजान, मुझे याद आ गया. जी. आपने मुझे बड़ा हर्ट किया था, वो मैं इधर नहीं बताऊंगी. बस किसी को किया ना, कि सबसे ज्यादा मुझे मेरे दोस्त ने हर्ट किया है. सबसे ज्यादा मुझे भी हर्ट किया था. आगे आके वो तुम्हें डांट रहे थे और तुम होते हर वक्त मेरे साथ होते थे. मैंने कहा ले इसका मतलब है ये मुझे भी गलत कह रहे हैं इसका. अच्छा जी, अनम एंड अयाज बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर. यस अनम इज माय बेस्ट फ्रेंड. अगर वो चाहे अयाज कल ही मिलने जा रहा है अनम से. कल मिल के आया हूं मैं अनम से. कब तुम गए थे? तुम फ्यूचर में ले जा रहे हो, मैं उसको पास्ट में कर देता हूँ भाई. वो पला हमारा ह्यूमर नहीं समझ आएगा लोगों को. ठीक है तुम ना गलत ना बातें करा देना. अयाज को एंटरटेनमेंट अवार्ड होना चाहिए था. अरे आप लोगों ने कह दिया मेरा अवार्ड यही है. सोया गई. ओए सोया लाला क्या हाल है? आबिद क्या हाल है? आबिद यार यार हम जोया को ऐड कर लें. देखें हम कैसे ऐड करते हैं. मैं देखूं? हाँ जोया देखो, डोंट हेट मी. अगर तुम प्रिपेयर्ड नहीं हो, नहीं एक्सेप्ट करना, नहीं करना ठीक है. लेकिन मैं कहती हूँ, देखा दिल खिला कर दिया. जोया को ज्वाइन करवाओ. मैंने इसीलिए शॉर्ट नोटिस पे मैं जोया को इनवाइट. देखे लेट शेयर योर एक्सपीरियंस. लव यू मोर. लव आई एम सॉरी मैंने आपको ये पहले नहीं बताया तो आपको मुझे कैंसिल करना पड़ा, डिक्लाइन करनी पड़ी इनवाइट. तो आई एम सॉरी. लेकिन हम लोग इंशाल्लाह, प्लीज मुझे बताइएगा अपनी अवेलेबिलिटी सो दैट वी कैन आल्सो प्लान लाइव सेशन. लोग बहुत कह रहे हैं जोया आ गई. जोया मुझे आई है, जोया आ गई थी. अब मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है. जोया प्लीज दे सकते हो हमारी ना इस बारे में बात नहीं हुई थी. मैं जल्दी निकल गया शायद, तो 3 दिन पहले निकल गया. मुझे बताओ कि वजीहा तमाशा घर में जाने से पहले और जब वो 64 डेज पूरे फाइनल तक खेल के निकली है, इन दोनों वजहों में कितना फर्क है? पहले मैं ट्रॉमा के बगैर थी, अब मैं ट्रॉमा के साथ. और ये ट्रॉमा मेंटल, इमोशनल, फिजिकल. फिजिकल अच्छा, फिजिकल तो मैंने बहुत कम आने दिया. वो तुम्हें पता ही है, टास्क में ऐसे नहीं खेलती थी. सबसे पहले भागती थी. और मेंटली मोस्टली ठीक है, क्योंकि मुझे मैं हर मतलब जो भी चीजें हो रही होती थी आसपास, मोस्टली तो मैं सब चीजों को ब्लॉक कर रही होती थी. ठीक है, लाइक मैं बैठी बातों को लास्ट सोचती थी ना, अपने तक पहुंचने देती थी. लेकिन अगर कोई चीज बहुत आपको पता है, ऑब्वियसली व्हेन यू आर देयर ठीक है, तो आप इमोशनली मतलब किसी टाइम पे भी अगर आप किसी चीज को अपने दिल पे लेना शुरू कर देते हो या कोई भी बात इस तरह आपके ऐसे टाइम में आप सुनने को मिल जाती है, तो मतलब कि आई यूज टू मतलब मैं मुझे बहुत सारी वीडियोस में ना मैं ऐसे करके बैठी हूँ. तो वो मेरा टाइम होता था इधर. आई यूज यू नो स्टेप बैक और लंबी सांस लेके अपने आप को कंपोज करने की कोशिश करना. तो आई कुड सी दैट, अगर वो लोगों ने देखी है तो मतलब इमेजिन हाउ आई यूज टू फील एट दैट टाइम. कि yes, मैं yes. उस पर इवन के वो के बी इट लाइक अनोइंग बातों पे, बी इट लाइक अनोइंग चीज में, अनोइंग लेम, और चाहे वो जेन्युइन कोई लड़ाई हो रही होती थी और उसमें मेरी इन्वॉल्वमेंट होती थी या नहीं होती थी, बट वो मतलब वो बातें सुनना, वो बातें मतलब कि लाइक अपने साथ लेके बेड तक जाना. और क्या है, आपको पता है हम लोग एक साथ कहीं पे भी जाके वेंट आउट नहीं कर सकते थे. और हमें ये भी होता था कि हम किसी को लाइक किसी को बताएंगे वो सारी चीजें, जिस तरह हमारे साथ हुआ एक्चुअली, वो दैट्स अनदर टॉपिक.
तो मतलब आप किसी से वो बात नहीं कर सकते कि बिकॉज आपको डिफरेंट तरीके से परसीव किया जाता था, आपकी किसी बात को डिफरेंट एंगल से देखने की कोशिश की जाती थी, पीपल यूज टू मतलब आपकी बात सुनते थे लेकिन समझते नहीं थे, इस टाइप की चीजें यस होती थी। यस तो उस हिसाब से मैं कहूंगी जो मेंटली सबसे ज्यादा चीज होती थी ना, दैट मैं जो भी फील कर रही हूँ आई हैव टू कीप इट टू माई सेल्फ, और मैं उसको ज्यादा शेयर नहीं कर सकती क्योंकि अगर मैं उसे शेयर करूंगी तो पीपल आर गोना थिंक दैट आई एम एक्टिंग और आई एम बीइंग अ डिफरेंट पर्सन और इसको मैं इस तरह एक्सप्लेन कर रही हूँ जस्ट फॉर द गेम और समथिंग लाइक दैट। बट मुझे लगता है कि फॉर मी मेरी मेरी तो ही ये चीज के दैट आई हैव टू बी माई सेल्फ, ठीक है। और मैं सारी वो सारी चीजों में जब मैं अवेलेबल होती थी या मैं इमोशनली अनअवेलेबल होती थी तो सारे लोगों ने उसको बहुत डिफरेंट तरीके से मतलब देखा समझा, तो क्योंकि यार ये मुझे अच्छी अब है, ये एक अच्छा अच्छा कमेंट है, मैं पढ़ना चाहूंगा। क्या सैयद नकवी कह रही है अयाज भाई वजिया से ज्यादा आप डिजर्व करते थे टॉप 3 में। हाँ मंजूर है मंजूर है भाई, तुम जा सकते थे यार, तुमने एंटरटेन किया, तुमने मुझे इतना एंटरटेन किया तो मैं सोच सकती हूँ कि यार लोग कितना एंटरटेन होते होंगे, कितना नहीं प्यार मिला यार है हम लोगों को, और मैं भाई समझ देखो, सकती हूँ मेरे लिए, मतलब मेरे लिए मैं पता मुझे है, लगता है। मेरे लिए सबसे बड़ी ट्रॉफी, सबसे बड़ा अवार्ड, सबसे बड़ी जीत पता है क्या है, जब मैंने अपना इनबॉक्स खोला ना यार, लोगों ने इतना प्यार भेजा हुआ था, इतना प्यार भेजा हुआ था, मैं सबके रिप्लाईज नहीं कर सका, लेकिन आई गेस मेरा काम हो गया था, आई वाज डन। मैंने कहा यार मैं जिस काम से गया था, आई वाज जस्ट बीइंग मायसेल्फ। काफी लोगों को ये लग रहा था कि यार मैं जिस तरह की पर्सनैलिटी, जो मुझे शोज में देखा है, जो उस तरह मैं नहीं था, भाई दिस इज हु आई एम, मैं ऐसा इन ही रियल हूँ लाइफ, जैसा आपने मुझे शो हाँ में मतलब कि देखा। दैट्स द पॉइंट ना, दैट्स द यस पॉइंट। मेरे दोस्त हाँ जानते हैं मुझे, मेरे दोस्त जानते हैं, जो मेरे करीबी हैं, जो इवन फैजानशी इस वक्त लाइव हैं, जो अली हैं, ये सब जानते हैं। 10 10 साल पुराने दोस्त हैं मेरे, 12 12 साल पुराने दोस्त हैं, इन्हें पता है मैं कैसा हूँ। तो मैं ऐसा ही हूँ भाई, मैं ना लड़ने झगड़ने में होता हूँ, ना किसी की लाइक पॉलिटिक्स में, ना इसमें ना इनकी उसमें, लड़ाई, इनकी मैं मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ था इनके ऊपर, इनकी लड़ाई के अंदर आके मैं बोलना शुरू हो गई नहीं बोलता था। मुझे आप पे ही गुस्सा था, याद नहीं मैंने आपको कहा था आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, और फिर मैं यस यार आपकी ये अच्छा लड़ाई है। में देखो चूक ये होता है दोस्त, हमारी आपस में नहीं बात हो रही, लेकिन जहां लड़ाई गई में मैं खामोश हो रहा हूँ, मुझे डिफेंड करने वजिया आ गई थी। वजिया थैंक यू सो हाँ मच। मैं कूद गई थी, मैंने कहा मैं बताती हूँ कि ये क्या नहीं बोल रहा है इस वक्त यार यार मुझे वो इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं अयाज एंड वजीहा, यार हाँ, अगर कोई फैजान बोल रहे ना कि कोई शेख कह रहा है वो मुझे नहीं जानता। सही है फैजान शेख, जिस तरह तुमने आगे शो में जो बातें की ना, बाकी मुझे ऐसा लगा कि तुम मुझे नहीं जानते। हाँ और मुझे भी लगा था कि आप उसको नहीं जानते और आप बस हमें बातें सुना रहे हैं चाहिए। अच्छा भाई, काफी लोगों जी। ने पूछा है हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन तमाशा हाउस, कैसा रहा एक्सपीरियंस? शुरू करिए स्क्रिप्टेड था प्लीज ना, है ना, स्क्रिप्टेड शो था ना वजिया, यार, पीछे बाद में जो खाने ऐसा पीने नहीं मिलते थे होता, ना। ऐसे मुझे नहीं सबसे होता ज्यादा पता है क्या, स्क्रिप्टेड, मुझे सबसे ज्यादा सवाल ये पूछा जा रहा है, मुझे आपको किसी ने स्क्रिप्टेड चुप चुप शो के चाहिए, खाने उन्हें खाने मिलते थे ना, आप लोग बाहर निकलते थे ना, घर वालों से फोन पे बात करते होंगे आप लोग, सब ये किसने कहा है, कह ये किसने कहा है, रहे। मुझे लोगों ने अगर पूछा है इनबॉक्स में, ऐसा होता तो इतनी अच्छी एक्टिंग कौन कर सकता है वैसे आज तो लोग कह रहे हैं यार ये स्क्रिप्टेड है ना। मैंने कहा भाई वो स्क्रिप्ट राइटर लेके आ जो एक अंगूर पे लड़ाई लिख के दिखा दे। यार भाई वो राइम भी करता है एक दूसरे के साथ, रोटी एंड बोटी, मैंने लड़ाई में सुना मैं इतना खुश, मैंने कहा रोटी पे लड़ रहे हैं बोटी पे लड़ रहे हैं यार बाकी ऐसा होता था वहां पे। मेरे घर वाले मुझे देख के लो परेशान है, कहते हैं तुम अगर जिम भी चली जाती ना तो इतनी पतली ना हो के आती, अच्छी बात है तो गई हो वहां पे खाना ही नहीं मिलता था कितना यार वजन गया? हमें, 7 किलो। हाँ फाइव भैया कितना वजन फाइव गिरा? 5, फाइव मेरा के 7 kg गिरा है। तुम नजर, इसीलिए तुम नजर ही नहीं आ रहे हो मैं 7 kg मेरा गिरा है, मैं इतना इतना रह गया, नीचे तो खत्म हो गया हूँ, नीचे कुर्सी है सिर्फ। भाई तुम मत, मुझे नहीं पता इन लोगों ने एपिसोड, देखो मैंने अभी तक कुछ एपिसोड वगैरह देखी नहीं है, मैंने शुरू में अयाज को इतना तंग किया ऐसी बात पे, बहुत अल्लाह बहुत अच्छा। तूबा कह रही है ना यार फुफ्फू मीसनी, तूबा मेरी बहन, अगर आपको आपको अगर अभी ये लग रहा है ना, तो फिर सलाम है आपको मेरी बहन, मैं अभी भी आपको बहन कहूंगा, मैं इज्जत दूंगा आपको। यार ये कौन सी पुप्पोएं होती है जिनको मतलब मुझे तो बुरा ना लगे कि पुप्पो मुझे कह रहे हैं, माय पुप्पो वाज अमेजिंग, मतलब क्या अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दोनों पुप्पो इतनी अच्छी, पुप्पो होता क्या है भाई, पुप्पो होता क्या है वो होता है पुप्पो, सिस्टर ऑफ योर यार फादर।
हमारी मेरी मेरी मतलब कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में क्या है जगह अता फरमाई, मेरी पुप्पो बहुत अच्छी थी, मैं तो खुश थी। याद नहीं जब पहले दफा मुझे दो पुप्पो वाले कमेंट आए, मैं खुश, मैंने कहा गुड, मतलब कि मैं नोटिस हो रही हूँ, मैं गुड, मैं खुश, कैसी भी खुश उम्र थी भाई मेरी। कमेंट आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स पड़े, नहीं भाई, अयाज एंड भजिया बेस्ट, थैंक यू सो मच, इकरा कह रही है आई लव यू, उमर कह रहे हैं अयाज भाई आप नेगेटिव कमेंट पढ़ रहे हैं बस, अरे भाई जो नजर के सामने रहा वो पढ़ रहा हूं। ओके मैं आप पढ़ूंगी। अच्छा अयाज शो में इनका इनवाइट करें। हां अयाज समो आप शो में इनवाइट करें, करेंगे बिल्कुल। ये कह रहे हैं उस्मान उसवा कह रही, सॉरी उसवा कह रही है, खामखा पप्पो बना दिया अयाज को, हेट फॉर नो रीजन लाइक सीरियसली, थैंक यू सो मच, समवन सेड इट फाइनली। से माई नेम प्लीज ऑफ लॉस सब साधिया बहुत अच्छे हैं, कितनी प्यारी है। किरण ने कहा, किरण कह रही है वजीहा एंड अयाज क्लियर देयर पॉइंट्स, वेल डन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस, मतलब और यार अब मैं मुझे अच्छा लग रहा है एक्चुअली डूइंग दिस। हां शुक्र है लोगों ने देखा है, कह रही आयशा कह रही है अयाज आपने बहुत टॉलरेंस किया है शो में, जी शुक्रिया बहन, किसी को तो दिखा, शुक्र है, ये नहीं कहा कि आपने इनको बहुत बर्ताव किया। ये भी ठीक है बात तो, ये भी ठीक है। मैं मानती हूँ इस बात को, मैंने बहुत तंग किया मतलब अयाज को, कितनी प्यारी है ये, ओह माय गॉड थैंक यू सो मच गाइस। प्यारी नहीं लिखा होगा, कितने प्यारे हैं। करवा दें अपने अपने फैंस मतलब जाके आप प्लीज उनको कमेंट करें कि वो लाइव करें हमारे साथ, हम तो नहीं कर सकते अब, वो पता नहीं है अयाज फड्डा कर दिया तुमने यार, किससे कर दिया फड्डा अयाज भाई अली, आप दोनों का टारगेट ये डुओ वाज बेस्ट। हां यस अयाज हमारा डुओ बेस्ट था, मतलब यस भाव, यस आई थिंक वी हैड द बेस्ट टाइम देयर, यस यस, और इट वाज वेरी अनकंडीशनल, इट वाज वेरी बिना मतलब के बिना गर्ज का था, यू नो इट वाज वेरी नेचुरल, और इट वाज वेरी नेचुरल। देखो जैसे मानूर और जोया फिर चले गए थे तो आई मतलब I was actually alone उस time पे, मैं किसी के साथ भी इस तरह नहीं बैठती थी, that was one time जो हमारी बातें होना शुरू हुई, हमने मजाक करना शुरू किए, मतलब कि we felt like कि अच्छा हमारा humor एक दूसरे से मिलता है, हमने इस तरह से बातें करना शुरू की, फिर मतलब कि like obviously शेरी भी बीच में आ गया था, and I really wanted कि शेरी भी आए यार, I really wanted कि शेरी भी आए, शेरी was also busy. Terry was also busy, तो इसी वजह से क्या है अभी हमारे वो सेशन में नहीं है, but I did ask him. So फैजान कह रहा है शकील was the real winner. फैजान तू जो तमाशा देख रहा है ना भाई, तूने गलत तमाशा डाउनलोड कर लिया था। और सिलान हाँ जी बेस्ट है वो, प्लीज अनु को ऐड कर रहे हैं आज भाई, प्लीज माशाल्लाह यू लुकिंग ब्यूटीफुल इन ईस्टर्न ड्रेस, थैंक यू सो मच। मैं बस घर आके मैंने कहा कि अब ना कह रहे हैं अयाज वी लव योर हेयर थ्रू आउट द शो, इतना प्यार किया मैंने बाल ही उड़ गए। ओए आप लोगों ने वो दिन देखा था जब मैंने इसके बालों की स्टाइलिंग की थी, oh, यार वो किसी एपिसोड में नहीं आया, आया था एपिसोड में नहीं लगा था, एपिसोड में नहीं लगा था। ब्रेड लुक वाली आप लोगों को कैसी लगी थी प्लीज कमेंट करें इस चीज पे। मुझे वजिया ने 5.5 रुपए का कोरियन एक्टर बना दिया था बालों को कर लिया करके। Hi, you looked amazing. But ठीक है, अच्छे लग रहे थे। It was a good change. तुम्हारे इन बालों से बड़ा अच्छा change था। यार मुझे बहुत अच्छा comment आया। ये कह रहे हैं कोई साइमा को ले आओ यहाँ पे लड़ाई करवाओ। मुझे लगता है साइमा यहाँ पे आके ना साइमा भी बहुत वो होगी अभी। साइमा नहीं लड़ेगी। आपको पता है मतलब मुझे और कोई कॉम्प्लीमेंट देता था मुझे कोई यकीन नहीं आता था, मुझे साइमा कॉम्प्लीमेंट करती थी ना मैं ब्लश करती थी, साइमा मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रही है। नहीं साइमा देखो, साइमा जैसी भी थी साइमा का गुस्सा अपनी जगह, लेकिन साइमा मदद जब आपसे मांगती थी तो वो मदद करती थी, वो एक हेल्पफुल एक इंसान था, वो भले गुस्से की तेज थी जैसे भी थी, लेकिन वो जब आपसे क्योंकि काफी लोग मुझसे कहते थे यार आप साइमा की आपसे सिर्फ एक दफा लड़ाई हुई थी उसके बाद की लड़ाई नहीं हुई साइमा से, क्योंकि मैं साइमा को समझने लग गया था, मैंने मेरी जब बाजार थी मैंने तभी साइमा को समझ लिया था कि ये वो है जिससे आप प्यार से बात करोगे इज्जत से बात करोगे तो आप इज्जत से ही बात करेगी, तो फिर ऐसे बंदे से लड़ने का तो बनता नहीं है ना, आप ऐसे बंदे भी साबित करते हो। हाँ और वो
एक्चुअली मतलब कि उनकी एक बहुत अच्छी चीज ये भी थी कि वो किसी और की बात हो रही होती थी ना, लड़ाई हो रही होती थी, वो कभी भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती थी, कभी कुछ भी नहीं करती थी आके, मतलब कि इवन इफ शी इज लाइक सिटिंग देयर, वो कुछ भी नहीं बोलती थी. दैट्स समथिंग आई रियली लाइक्ड अबाउट हर, मतलब कि ऐसा ही होना चाहिए. दैट्स यूजुअली व्हाट वी डिड, कि किसी की यस बात यस हो रही आप उसमें इंटरफेयर नहीं करो. यस और अब हमने काफी देखो जो हमसे इवन आज मैं चलो उस चीज को भी एड्रेस कर देता हूँ जो पूरी यकील वाली जो कंट्रोवर्सी हुई वो अच्छा भाई यार इतनी बात है ना इतनी गॉसिप या इतनी वो बल्कि गॉसिप भी नहीं कहूँगा वो डिस्कशन थी इतनी तो हम आम घरों में करते हैं यार क्या क्या आप मतलब घर वाले जो भी था मैं लोग देख रहे हैं क्या आप लोगों ने घर में बैठ के किसी और को डिस्कस नहीं किया कभी ऐसा होता ही नहीं है ना गॉसिप करना गॉसिप वो मुझे होता एक है कि कमेंट मिली. आप सेल्फ मेड स्टोरी बना के किसी के कैरेक्टर को खराब करने के लिए जो बातें की जाती हैं वो तो गॉसिप नहीं था दैट्स वन थिंग जो कि मेरे भी दिमाग में आ रहा था, कि ऐसी मतलब हमने ऐसी कोई बात नहीं की जो हमारी मेड अप स्टोरी हो, ठीक है. यस जिस तरह मेरे यस एक वीडियो के अंदर भी है कि मैं यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज है किसी के लिए भी कोई बुरी फीलिंग दिल से घर से नहीं लेके आई, वो सब जो भी हो रहा है वो यहीं पे है, ठीक है, और हम उसको वहीं पे एड्रेस करने की कोशिश करते हैं. एंड देर आर सम फीलिंग, देर आर सर्टन थिंग्स दैट यू नीड टू डील विद, मतलब कि इन एक तरीके से आप करते हो, ठीक है. आप ये नहीं करते, आप फौरन से जाके हर चीज को कन्फ्रंटेशन करना शुरू कर दो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है. तो हर चीज का एक तरीका होता है. और चलो ठीक है, अगर कुछ लोगों ने उस चीज को नहीं समझा तो वो वाले लोग भी थे जिन्होंने उन चीजों को समझा, विच आई एम ग्रेटफुल फॉर. कि मतलब अब तुम सोचो, इतनी सारी चीजें हैं, जब कोई बात हो रही होती है, कोई नेगेटिव कमेंट आ रहा होता है ना, तो दूसरे लोग जो पसंद करते हैं, जो प्यार करते हैं, केयर करते हैं, उनको समझ उनको पता होता है, वो अनकट में से चीजें ला ला के वो खुद ही जवाब दे रहे होते हैं. वो वही बात है ना, हमें जवाब देने की जरूरत ही नहीं है. जहां पे आपको एक बंदे ने अपनी आंखें बंद की हुई है, वो ब्लाइंड होके बैठा हुआ है किसी मतलब एक गलती की वजह से, लेकिन दूसरे वाले लोग वो खुद ही से आपके लिए जवाब दे रहे हैं. दैट्स सो ब्यूटीफुल, मतलब कि ये दिस इज समथिंग जो कि मुझे इतना खूबसूरत लगा कि मुझे कुछ भी करने की एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज देर आर पीपल हु आर मतलब कि आंसरिंग फॉर मी, हु आर फाइटिंग फॉर मी. मतलब इतने लंबे लंबे नोट्स लिखे हुए यार, इतने लंबे लंबे, दैट्स रियली स्वीट. मतलब मैंने मतलब अभी शेयर भी किया हुआ है, तो मैं उसको पढ़ रही थी, तो मैंने देखा मतलब कि उस लड़की ने मतलब मुझे डिफेंड करने के लिए, मतलब आई हैव नथिंग टू मतलब कि यू नो उसको ऑफर करने के लिए, बट स्टिल मतलब उसने इस तरह से फॉलो किया शो को, और उसने फिर भी इतना प्यारे तरीके से शी डिफेंडेड मी, शी सेड ऑल दोज थिंग्स जो मेरे दिल से शायद निकले, ठीक है, और शायद मैं उसको अच्छे तरीके से बोल भी ना सकूं. शी सेड दैट ऑल इन अ स्मॉल मैसेज फॉर मी. लोकी की मैं बात कर रही हूँ, और जैनब रजा भी, मतलब उन्होंने इतने प्यारे प्यारे नोट्स मेरे लिए लिखे हैं. जैनब रजा थैंक यू, और लोकी एंटिटी आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच कि मुझे अपने मुंह से ऐसी चीजें निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ी, कि मुझे आई नीड टू डिफेंड माई सेल्फ, आई नीड टू से इट, मुझे अपनी सफाई में कुछ नहीं पेश करना पड़ा, और आप लोगों ने यू सेड इट ऑल फॉर मी. दैट्स अमेजिंग. मतलब कि तुम सोचो कि कुछ लोग जो प्यार करते हैं तो फिर वो ऐसे प्यार करते हैं, फिर आपको दिल नहीं करता कि आप हेटर्स के बारे में सोचो भी. तो दैट मतलब कि दैट्स अमेजिंग ऑनेस्टली. मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने ये सारे जो मतलब इतने लंबे लंबे नोट्स यार, और मतलब कमेंट्स के अंदर पूरी लाइक वॉर चल रही है, ठीक है, आपके लिए, आपको डिफेंड करने के लिए, देयर मैसेजिंग यू, देयर सपोर्टिंग यू, और दूसरों से लड़ रहे हैं. तो मतलब अमेजिंग. मतलब मैं चाह के भी अगर मेरे पास कोई टीम होती तो वो भी इतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाती जो मुझे प्यार लोगों की तरह से मिल रहा था, और वो मेरे लिए परफॉर्म कर रहे थे. यार यार ये एक बड़ा अच्छा कमेंट आया है ये कह रहे हैं डिफरेंट लोगों के रैंडम हाँ रैंडम क्या डिफरेंट लोगों के फैंडम गॉट सुपर ट्रिगर्ड बिकॉज कॉजिंग यू बोथ टू गेट अ लॉट ऑफ अनडिजर्व्ड हेट अरे ये बार बार ऊपर जा रहा है मेरा कमेंट मतलब कि हमसे ये देखो हम किसी वाली के बात ना किसी कि के फैन हमें फैंडम्स को या किसी के भी फैन पेजेस को बुरा नहीं कहेंगे अगर हमसे कुछ गलत लफ्ज अदा हुआ और उनसे कुछ उन्होंने उसको गलत तरीके से कंसीव किया तो दोनों हम भी इंसान हैं और जिन्होंने गलत समझा वो भी इंसान है तो हम दोनों को ये लिबर्टी होनी चाहिए कि अगर हम अपने गलत पे नादिम हैं तो उन्हें भी अपने गलत पे नादिम होना चाहिए और ज़रूरी नहीं है कि हम उनके लिए बुरे अल्फाज अदा करें उन्होंने जो नो करना था नॉट एट उन्होंने कर ऑल. दिया हमने जो करना था हमने कर मतलब दिया खत्म कि देयर ऑल्सो टेकिंग आउट टाइम फ्रॉम देयर लाइफ, और बस ये सारी चीजें किसी के लिए किसी के प्यार में कर रहे हैं, हम उसको भी बुरा नहीं कह सकते. मतलब कि हमारे जिस तरह
इतना सपोर्टर है, वो इतना टाइम निकाल के अपनी जिंदगियों से इतनी मेहनत करके वो अपना प्यार दिखा रहे हैं, इतनी सपोर्ट दिखा रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट्स द सेम फॉर देम कि अगर वो अपने जिसको वो सपोर्ट करते हैं उसके लिए सब कुछ करें, हम उनको बुरा वाकई नहीं कह सकते. हम क्यों कहेंगे उन्हें बुरा? They are also doing all of that in their love. Yes, yes. भाई देखो शो खत्म हो गया, इट वॉज जस्ट फॉर द शो, 64 days का शो था, शो खत्म हो गया, एक टाइम गुजर गया, वो फेज जिंदगी से गुजर गया. जिनसे लड़ाइयाँ हुई हमने उनको भी माफ़ कर दिया, जिनको हमारी कोई बात बुरी लगी हमने उनसे भी माफ़ी मांग ली. तो वो ग्राउंड जीरो पर हम आ चुके हैं, और अब बिला वजह दोबारी नई कॉन्ट्रोवर्सीज या गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई शौक नहीं है. हम दोबारा से जितने भी फैंस हैं हमारे, हमारा अगर आपने हमें हेट भी दिया है तो फिर भी हमारा दिल आपके लिए साफ है. बस आगे जिंदगी में आप खुश रहें, आबाद रहें, और हम आपके लिए दुआ करेंगे, आप हमारे लिए दुआ करें, ये है जिंदगी. बस दिस किसेस आर फॉर ऑल द पीपल हु आर लाइक मैसेजिंग नीचे, और हम लोग अपनी बात कर रहे होते हैं जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, दैट वी फेल्ट थ्रू आवर जर्नी. ये उन लोगों के लिए किसेस हैं जो फिर भी हमें मैसेजेस कर रहे हैं, दे वांट अस टू से देयर नेम्स, वो मैसेजेस थोड़े मिस हो रहे हैं, बट थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच, वी नो दैट यू लव अस और हम उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. प्लीज कीप ऑन सपोर्टिंग अस और हमें इसी तरह से अपना प्यार दिखाते रहेगा प्लीज. जी वजिया खान कुछ कहना चाहेंगी आप? मुझे तो लगता है कि अगर कुछ लोगों को सवाल पूछने हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं. हाँ यार सवाल से माय नेम, हाँ मैं वही कह रही, सवाल पूछना चाहते हैं तो सवाल पूछें, और प्लीज कोशिश करें कि हम लोगों को छोटे छोटे जवाब, छोटे छोटे, ताकि हम लोग जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स कर सके, है ना? ये अच्छा तमाशा कोई नहीं, तमाशा किंग भाई, इतनी तारीफ मत करते हैं क्यों. आई लव यू, थैंक यू सो मच. माय नेम इमान वजी, आई एम अ क्वीन. यार सवाल सवाल पूछने सवाल. अच्छा भाई डू यू थिंक अकील डिजर्व द अवार्ड? यस अकील डिजर्व इट, अकील ने अर्न किया है, इसमें कोई दो राय नहीं. अब जो लोग कहते हैं ना कि मैं अकील को लेके जेलस हूं, भाई नहीं, अकील वाकई डिजर्व करता था, अकील जीता इसीलिए है. हाँ उसको उसको पसंद करने वाले वो लोग ज्यादा थे, सो यस, और अच्छा और वो एंटरटेन किया उसने यार, और अच्छा एंटरटेन किया, हम खुद हंसते थे भाई. यस मतलब हम लोग वो जब भी किसी से लड़ाई कर रहा होता था, अनोय कर रहा होता था, आंखें मार मार के अनोय कर रहा होता था कि बस चुप कर जाओ, कुछ बोलना मत, मुझे करने दो करने दो, हम हंसते थे, हम सब हंसते थे. यस यस most stylish, thank you so much guys, but we have feels Binahil, thank you so much, thank you, thank you, thank you. I know that you want me to say your name, girl, thank you so much Binahil, this is for you. ये कौन है मलिहा? हार्डेस्ट मोमेंट इन द हाउस, हार्डेस्ट मोमेंट इन द हाउस. चलो आप अपना बताओ. गो फर्स्ट, यू गो फर्स्ट. द हार्डेस्ट मोमेंट वॉज यार अगर वैसे फिजिकली कहा जाए तो वो वाला टास्क जिसमें मैं यूं खड़ा हुआ था, दैट वाज वेरी टफ. वो भाई यू डिड ग्रेट, सबको पता है यू डिड ग्रेट, उसमें मेरे लिए बहुत मुश्किल था. वो हार्डेस्ट मोमेंट था मेरे लिए, नॉट इफ नॉट द टास्क, टास्क के अलावा नॉट द टास्क, देन वो जो अकील से मेरी लड़ाई हुई थी. पता मैं लड़ने वाला बंदा नहीं हूँ, वो जो मैं अकील पे जो मेरा भी कॉन्फ्लिक्ट होता है डाइनिंग टेबल पे, दैट वॉज वेरी हार्ड फॉर मी. मैं बाद में मैंने भी बहुत रिग्रेट किया कि मुझे इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, वो मुश्किल था मेरे लिए. अच्छा तो फॉर मी टास्क के अंदर तो मैं कुछ भी नहीं कहूंगी क्योंकि मैं तो अपने मुश्किल वाले काम से छोड़ती थी. मैं यूं यूं करके उतर के आ जाती थी कि मैं तो नहीं खेल रही. और घर के अंदर, घर के अंदर हार्डेस्ट मेरी एलिमिनेशन. हाँ वैसे थी तो सही, ऐसे तो नहीं कहो. मैं तीन दिन बाकी तो मुझे पता है, अगर मैं जल्दी निकलता ना तो शायद आप ज्यादा फील करती. हाँ वो तीन दिन का आसर था कि अभी तीन दिन के बाद मिलना ही है हमें. बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था वो भी, बिकॉज एक एक करके जो मेरे मैं कहती थी कि मैं ही मतलब मनहूस हूँ कि मेरे जो दोस्त बनते हैं वो चले जाते हैं. मतलब बात तो ठीक है, ये सारे हम लोग डरते थे इसी बात से. तो कहते यार ये मुझे लगता है ये सही नहीं है, इसके साथ दोस्ती नहीं करो वरना निकल जाते हो पहले. तो हार्डेस्ट
इन द हाउस. मेरे लिए भी वो जो साइमा से सबसे पहली लड़ाई थी, जब मैं रोई थी, वो पता नहीं, वो मुझे कुछ कह रही थी, आई डोंट वांट टू से इट, उन्होंने मुझे क्या कहा था, जो मेरी सबसे पहली लड़ाई हुई थी, जो जिसके ऊपर मुझे, मतलब आई डोंट नो मुझे हाउ आई फेल्ट, ऑब्वियसली मैं इमोशनली, मतलब कि आई वाज नॉट ओके, आई वॉज द तो जिस वजीर, आई वॉज द इतना वजीर, फील हुआ. हाँ मैं वजीर था। हाँ और उसमें आपने जब वैसे बहुत छोटी साइमन सी यहाँ पे बात लेके थी, कहने लगाया कि को आपने साइमा ने बाद में लोगों से लड़ाई में बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं, कहने को वो छोटी बात थी, ठीक है, कंपेयर टू ऑल ऑफ दैट, लेकिन वो मेरी पहली लड़ाई थी, मेरा दूसरा वीक था, सो मतलब आई फेल्ट इट, लाइक आई फेल्ट इट, वो वाला सीन था. और उसमें आपने मिसाल के तौर पे दिखाने के लिए कि धक्का किसे कहते हैं, वो धक्का मुझे मारा गया था। धक्का ऐसे होता है, ऐसे मैं वजीर हूँ, मैं धक्के खा रहा हूँ। मैंने कहा ये हो क्या रहा है मेरे साथ भाई, और उधर मुझे बुखार भी हाँ, तुम्हारी तबीयत भी खराब थी. अच्छा, नुमान वजीर बने, नुमान की तबीयत खराब थी, वजीर बने, तबीयत ठीक करनी पड़ी उन्हें भी, तुम वजीर बने, तुम्हारी भी तबीयत खराब हो गई. शुरू में ना बहुत बहुत बैड बहुत चल रहा था वजीरों के साथ, शुरू शुरू असल का टाइम था में ना, समझ ही नहीं आ रहा। बिल्कुल बिल्कुल. मेरे लिए भी मुश्किल सबसे वही था कि सबसे पहले जो लड़ाई करनी पड़ी, मतलब इट वॉज नॉट अ नाइस फील. और उसके बाद मुझे लगता है मेरी कोई उस तरह की बड़े अरसे तक लड़ाई ही नहीं हुई, मतलब कोई लड़ाई नहीं. फिर वो सिर्फ और सिर्फ, अगर अगर मेरी किसी से लाइक कोई मुझे बोल भी रहा होता तो मैं उसको कहीं वहां लड़ाई तक लेके ही नहीं जाती थी, मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करती थी. मैंने उस दिन सोच लिया था कि आई एम नॉट गोना, मतलब कि लाइक फील फील थिंग्स, मतलब उस तरह, तो दैट्स समथिंग. जी आपके लेकिन अगर आप कहने देखा जाए तो आपकी बहुत ज्यादा शामिल, लड़ाइयां हुई भी नहीं है। मैंने इन्वॉल्व ही नहीं दी इस तरह की, मतलब मैं हंसती रहती थी उसी बात पे भी, तो गुस्सा चढ़ता था लोगों अच्छा भाई यार, एक भाई लाइक कमेंट्स पढ़ लें। सादी सादी कौन सा कमेंट किया आपने, मेरी नजर से निकल। असल में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो मैं सारे रीड नहीं कर पा रहा। नायाब, नायाब यासीन, हेलो गर्ली, दिस गोस, ओह दिस इज सो नाइस. यास तुम्हें पता था इसके बारे में? क्या कैन यू मेरा सी नहीं आ रहा भाई, मेरा दिल कमजोर यार, है। हाथ ऐसे रखो इधर इधर. यार ऐसे नहीं आता, सीधा रहना पड़ता है. माय हार्ट गोज आउट टू ऑल ऑफ यू गाइस. मेरा नहीं आ रहा, किसी एक का दिल बनता है भाई, हर किसी का नहीं बनता। नहीं, मुझे लगता है दोनों का होता है. पीपल वॉन्ट कि आप उनका नाम बोले, सब इग्नोर करने करके इकरा बने. अच्छा, नहीं इकरा, हमने इग्नोर नहीं किया कुछ भी, हम लोग बातें कर रहे थे. वी वांट टू एंटरटेन यू गाइस, अच्छा वी वांट टू इशी टॉक कह टू रहे यू हैं, अच्छा ये गाइस. सवाल है, इशी कह रहे हैं आपने खुलकर क्यों नहीं खेला। भाई मैं ऐसा ही हूँ जिंदगी में, ये किस जबान में मैं आई समझाऊँ, लव किस यू टू भाई, टू क्यूटी. जहाँ मुझे हंसना होता तो मैं हंसता था, जहाँ मुझे मजाक करना होता मजाक करता, जहाँ मुझे गाना गाना होता तो मैं गाता था, जहाँ मुझे डांस करना होता तो मैं करता था। मैं ऐसा ही हूँ, मैं हर और वक्त भाई मतलब का डांस का टैलेंट तो शो में निकल के आया था, सबको बाद में पता चला था कि आप कितने फ्लेक्सिबल हैं. बादशाह सलामत तक ने आपको बोला था कि मुझे तो नहीं पता था कि आपके अंदर ये टैलेंट भी है. ऐसे कंफर्टेबल हो रहे थे ना, अब जैसे जैसे हाँ, कंफर्टेबल होता गया आपने वैसे वैसे बहुत टाइम स्टेज ले दिखाए लिया था, मैंने। हमने बहुत टाइम लिया था, आपने बहुत टाइम लिया था इतना कंफर्टेबल होने में. नहीं असल में हाँ देखो निया पता है क्या, भाई, एक तो लोग भी बहुत ज्यादा थे ना शुरू में, अब आप किस तरह से चीजों को वो करते हैं, ग्रेजुअली ही होना था चीजों का, ऐसा ऐसा। और मैं हूँ इस तरह का, राइट थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हूँ भाई, मतलब इतना जल्दी घुलता मिलता नहीं हूँ मैं। और आपको वो, मतलब इतना हम लोग इतनी कोई कंफर्टेबल सेटिंग में तो थे नहीं कि आप इतनी जल्दी बाहर निकलो, मतलब कि इट टेक्स टाइम फॉर, मतलब कुछ लोगों को वो चाहिए होता है टाइम. थैंक यू सवेरा, थैंक यू सो मच अयाज भाई, योर हफ्ता सॉन्ग हफ्ता ने लिरिक्स कहा एंड है। तमाशा वाज थैंक यू रिया, थैंक यू सो मच। आपका फाइनल किस प्लीज दिन हमसे हुआ है? कोई क्वेश्चन पूछ लें, दैट्स गोइंग टू बी, प्लीज कमेंट पढ़ें जी, मैं आपके कमेंट्स पढ़ रही हूँ. अरे आपसे कौन पूछ रहा है, क्या पूछ रहे हैं मेरे से? हाय सलमा, हाय सलमा, हेलो हेलो, सम लाइंस फॉर अली भाई, फरदान शेख, सम लाइंस फॉर अली भाई ये है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द तुम हमारी भाभी के पास अमेरिका वापस जा रहे हो, ठीक है? तो जल्दी चले जाना, इंटरव्यू दो अपना और निकल जाओ यहाँ से, भाई. मुझे दो तीन कमेंट्स आ चुके हुए हैं कि पढ़ो। मैं बताऊं कि हु आई एम.
तो मैं ये वाली ये रिवील अभी तो नहीं हम कर सकते, बट आप लोग वेट करें. आई विल जो ये लोग जानना चाहते हैं उनके लिए भी एक टाइम आएगा. वी विल डू दैट. डिड यू गेट एनी ऑफर्स अभी? आपको पता है अभी तक हम लोग अपने फोन्स नहीं इस वक्त पकड़ सिर्फ ये ऑफर बजे, इस वक्त सिर्फ ये ऑफर दर्ज है। घर वाले पूछ रहे हैं, बेटे दिनों से गोश्त नहीं खाया, गोश्त खाएंगे आप लोग, चिकन खाएंगे आप लोग? मेरे घर वाले मुझे कहते हैं, मेरे घर वाले, मैंने ना मैंने खाना निकाला तो मेरे घर वाले कहते हैं ये तमाशा घर नहीं है. खाना सही तरीके से निकालो. मैंने कहा भाई अभी मेरी एपेटाइट इतनी ही है, अभी निकाल लूंगी. नहीं, और काफी लोग जिनको लग रहा था कि हम जो इतना अपना खाना खा रहे थे उसके बाद हमें छुप के ऐसे खाना मिलता था, ऐसा कुछ नहीं भाई, वही खाना होता था, हम सिर्फ वही खाते थे, बस ऑनेस्टली मुश्किल भाई, था, ऑनेस्टली बहुत कि मुश्किल था। साइमा बलोच फनी है वैसे. हाँ जी, साइमा बलोच काफी फनी थी. मतलब कि जब उनका मूड होता था ना तो बहुत हंसाती थी. मतलब भाई उससे उससे बस उस पहले पर ही बात है, एक साइमा कमेंट बलोच के है मूड का इंतजार करना होता था हमें. वजह, एक कमेंट आया है, इस सायमा होस्टिंग सीजन 4 तमाशा सीजन 4 को ये क्वेश्चन ना जाके फला मतलब बहुत अच्छा होगा वैसे, बहुत मजा आएगा. क्या हो गया तुम्हें? बहुत मजा आएगा। बहुत मजा आएगा. मैं हम लोग तो ऐसे आंखों में जो कर रहे हैं ना, बहुत मजा आएगा भाई, बहुत मजा. लेकिन दी सहमत सहमत एडिट उसे आप, गुड यस यार एक मिनट. जिन लोगों ने मेरे एडिट्स बनाए और जो मोस्टली मेरी फीड पर शेयर्ड हैं, वो मोस्टली मुझे लगता है जैनब, जी एडिट्स और उमर एडिट्स की तरफ से हैं. और आई लव देम गाइस, आई लव देम. दैट्स व्हाई मतलब वॉच देयर देयर. और मैंने आई सॉ ऑल ऑफ देम एंड आई लव देम सो 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 वेरी मच कि मैं उनको देखती हूँ. मतलब मुझे ऐसा फील, मतलब मुझे ऐसा, मुझे खुद से प्यार होने लग गया. आपने मुझे इतने प्यार की नजरों से आपने देख के वो एडिट्स बनाए, लेकिन उनको देख के मुझे खुद हंसी आती है. आई ऑलवेज हैव अ स्माइल ऑन माय फेस एंड इट फील्स अमेजिंग कि आप लोगों ने इतने प्यार से उनको उनको एडिट किया एक साथ. वो सारी मोमेंट्स आपने निकाली, डिफरेंट डिफरेंट एपिसोड्स में से निकाली और आपने उनको कंपाइल किया. दे आर ऑल वेरी 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 क्यूट. और उन्हीं की वजह से मुझे फील होता है कि मुझे वो प्यार महसूस हुआ कि जो आपको आपके दिल में मेरे लिए है. एंड आई एम रियली 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 थैंकफुल फॉर दैट. सो थैंक यू सो मच उमर, उमर एडिट्स, जी एडिट्स, वजीहा फील्स, वजीहा स्पार्कल, वजीहा जिंदगी. और मतलब इस तरह के और भी इतने सारे पेजेस हैं जिनके लिए मैं नाम नहीं ले सकी, बट आई विल लिटरली मतलब आई विल मैसेज यू माई सेल्फ, आई विल टॉक टू यू गाइज एंड आई होप दैट यू कीप सपोर्टिंग मी लाइक दिस. थैंक यू सो मच. अब आप बताएं क्या कह रहे थे. भाई, या हम ये अच्छा कहने लगे थे कि मैं जिन जिन्होंने जिन्होंने भी हमारी रील्स बनाई हैं, जो एडिट्स बनाए हैं, अभी एक वो हैं आई गेस हवा, उन्होंने बहुत बनाई है हमारी, जो इवन एक और है ग्लिची थिंग्स, उन्होंने बनाई है, फिर एक सारा वन एडिट्स है, एक ने हमारी भी वो किचन वाली जो एक वो है जिसमें मैंने हुडी पहना हुआ, यार वो हाँ बहुत बहुत क्यूट क्यूट है वो. मोमेंट्स हैं, बहुत हाँ क्यूट मोमेंट्स हैं वो, तो जिन्होंने भी क्योंकि तुम्हें हाँ वो कैप्चर मारने किया है वाला उन सेशन सबका चल बहुत बहुत रहा था शुक्रिया। मेरा. कौन सा वाला मारने वाला सेशन? यस यस तो यार जिन्होंने भी बनाई है एडिट्स आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं पता कि शायद जी एडिट्स ने हमारी कोई साथ बनाई है कि नहीं, लेकिन जिन्होंने भी बनाई है साथ भी अलग अलग भी, थैंक यू यार, आप लोगों ने इतना टाइम निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Honestly, मतलब मैं खुद भी नहीं सोच सकती थी कि कितना उन लोगों ने लाइक फॉलो किया, उन्होंने हमें कितने प्यार से देखा. मतलब कि ऑब्वियसली इट टेक्स, मतलब इट टेक्स डेडिकेशन भाई. बहुत ज्यादा दे वर डेडिकेटेड टू अस. सो मतलब इट वाज अमेजिंग. मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों ने इतना इतने प्यारे प्यारे एडिट्स बनाए हैं. मतलब मैं खुद मुझे मुझे नहीं पता था कि मैं अच्छी लगूंगी. और मतलब मैं खुद उनको देख के मैं इतना मतलब इतना प्यार आ रहा होता है, अपने भी प्यार आ रहा होता है. तो सोचिए आप पे कितना आता होगा, कितनी अच्छी आपने मेरी एडिट्स बनाई हैं. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. आपने अगर एक और सवाल पूछना है तो आप वो हम दोनों से पूछ सकते हैं. फिर उसके बाद वी आर गोना टेक आवर लीव बिकॉज हम बहुत यस ज्यादा टाइम हो गया, हाँ, एक पूरा घंटा हो एक गया तो भाई, आवर की हमें सेशन हुई है हमारी. वाओ।
Yes, thank you so much. 100 times. Waiting for your DM. Yes, you will get my DM, girl. फिर से मिलेंगे आप. नीड अ टॉप थ्री यूनरी री क्यों हो गया भाई, मेरा टंग ट्विस्टर आ गया ईमान, एक और. ईमान असद ले लिया नाम, ठीक है। स्टेइंग टू मच हाँ इन विंटर अगेन इन समर, हाउ यू फील? फाइनली समवन सेड इट। बहुत क्या, ठंड थी अंदर भाई, किसी हाँ ने लिखा हुआ है 2 महीने गर्मी के मौसम में ठंड में रहना कैसा लगा? ओ बहुत, मतलब मैं बाहर आई हूँ लाहौर में भी अभी, मतलब कि मौसम तो बेहतर हुआ है, लेकिन फिर भी वहां वीवर लाइक, मैंने कहा बहुत यार बहुत गर्मी। गर्मी है बाहर, मुझे अच्छा लग रहा था अंदर. अंदर बहुत अच्छा था, एटलीस्ट आप लाइक लेयरिंग करके कुछ कर लेते थे. गर्मी का कोई वो मतलब आप कुछ नहीं कर सकते, गर्मी लग रही है बस. सेम आई नेम अयाज भाई, दानियाल सेम आई. अफजल खान, शामीर, पिंकी, हेलो. यार दानियाल, दानियाल बड़ा सपोर्ट किया। दानियाल थैंक यू सो मच मेरी जान। दानियाल अच्छा मुझे मेरा ना बहुत मुझे मुझे क्वेश्चन चाहिए, और अगर क्वेश्चन नहीं है तो आई वुड मतलब मैं आपको थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग क्या निकलते हैं। है, आप हम लोग बाय बाय करेंगे. बाय बाय करते एंड हैं, बी चलो। विथ यूर ग्रेट. तो देखो अब अच्छे अच्छे कमेंट, अब तुम्हारी बारी है, बोलो जो तुमने बोलना है, फिर उसके बाद हम लोग निकलते हैं. मैंने अपना आपके नहीं, आने मैं से सिर्फ पहले अभी बोल दिया. हमारा एक मेरा दोस्त दानियाल अफजल खान आ गया, अभी माशाल्लाह हमारे बहुत प्यारे से हमारे स्टार हैं, और वो टाइम निकाल के हमें देख रहे हैं। तो ये मेरा कॉलेज का दोस्त है भाई, हम कॉलेज, हम जब कुछ भी नहीं थे ना, हम जब औंगे बौंगे थे ना, हम तब के दोस्त हैं। हेलो हमने एक दूसरे दानियाल. को बेहतर होते हुए देखा है यार। अकबर बस हमारी बात भी हुई थी दानियाल के बारे में, याद है शो हाँ में? मुझे लग रहा है, तो अब ये हाँ आया ना, आप आपने बोला खोल के देख था. लेना कौन है। ओके मैं देख लूंगी यार. थैंक यू सो मच, ये सेशन भी मतलब के थैंक यू सो मच मानने के लिए कि आज लोग हम लोग कर लेते हैं. इट वाज रियली नाइस ऑफ यू कि आपने मेरी बात मान ली, और आज ही हम लोगों ने यस, कर लिया. और हम लोग कैसे करेंगे कि फिर दोबारा लाइव सेशन करेंगे, लेकिन वी विल ट्राई टू गेट मोर पीपल इन, ठीक है, हाँ तो हम लोग और एंजॉय कर सकें. हमारी हमारी बातें नहीं खत्म होंगी, ऐसा नहीं होगा यस, किसी भी दिन कि हमारी बातें खत्म हो जाए, लेकिन आई वांट कि लोग, दूसरे लोग भी आए, ताकि ज्यादा लोगों मैसेजेस पढ़ने वाले भी. यस, हम दोनों नहीं पढ़ पा रहे भाई. हम दोनों जिन खट्टू पहली दफा कर रहे हैं ना, काम नहीं होगा हमसे, नहीं होगा, हम तो वो वाले लिटरली लोग पहली जो दफा आए ऑलरेडी, हैं लाइव, और हमें बिल्कुल हाँ आइडिया नहीं है कि लाइव किस तरह आते थे। तो अंदाजे से हाँ बटन दबा दबा के यूं करते हुए सही बंदर के हाथ में मोबाइल आ हो गया, सही गया हो गया, कुछ सही चल रहा है. हम लोगों ने इस तरह अगर कर लिया आज के दिन, तो आज के दिन के लिए इतना काफी है. अच्छा एक काम करें ना भजिया, जी ये जो लाइव है ना, इसको पोस्ट कर देना, इसको डिस्कार्ड नहीं करना, इसको सेव करते हैं। पक्की बात है, हाँ पहले हाँ अच्छी तस्वीर, पहले अच्छी शक्ल बनाओ. देखो मैं देखती हूँ, पहले अच्छी शक्ल बनाओ. अरे अच्छी तो पहले शक्ल है क्या? नहीं ना यार, देखो पहले तुम पीछे होके बैठो थोड़ा सा, मतलब कि पूरी बॉडी तो आए ना, ऐसे फेस आए ठीक मेरे. है, अब सही है। हाँ क्या करना है, क्या कर जाओ भाई, क्या क्या क्यों कर रहे हो? पिक्चर सोच रही हो, अगर कवर फोटो होती है तो फिर अच्छा? वो लगाएंगे ना ऊपर. ओके 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 बस चल हो गया। भाई हाँ हमने फिना हमने कर लिया बस, हमसे इतना, हमसे और ना हो पाएगा. थैंक हो गया, हो गया, बहुत है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत यू सो शुक्रिया। मच, थैंक यू सो मच एवरीवन जो यहाँ पे आए. आपने हमारी क्या है मतलब, हमारे इतना सपोर्ट किया यार. मतलब मैं जितनी दफा कहूँ ये कम है, कि मतलब मैं खुद नहीं सोच रही थी कि ये सब कुछ होगा, हम इतना, हमें इतना प्यार मिलेगा. लेकिन स्टिल यू गाइस, मतलब यू गाइस वर मतलब अमेजिंग. इस मतलब मैं नहीं सोच सकती थी कि मुझे इतने अच्छे लोग मिलेंगे जो इतना प्यार करेंगे, इतना सपोर्ट करेंगे. सो थैंक यू सो मच गाइस, और मैं फिर से कहूंगी कीप सपोर्टिंग अस. और ये बुरे नहीं है, अगर किसी को भी लगता है ऐसी कोई बात है, ये बुरे बिल्कुल नहीं है. अगर इन्होंने मेरा नाम लिया था उसमें, ही हैड मेरी हिज रीजन, और जब सफाई मैंने है तेरी एलिमिनेट किया था, आई हैड माई रीजन. है, देन आई हैड माय रीजंस एज वेल। आई एग्जैक्टली ये कह रहा है, मैंने यही कहा है. सो थैंक यू सो मच गाइस, एंड ओवर टू यू अयाज. यार बहुत
बहुत मजे का सेशन रहा, जितने लोग हमें देख रहे थे आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला। हम तो 2 महीने काम करके अब 2 महीने और छुट्टी करेंगे हम तो फारिग लोग हैं। नहीं क्या मतलब, आर यू नॉट गोइंग बैक टू वर्क? यस फ्रॉम द नेक्स्ट वीक, मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट वीक से, तो मेरे अब आखिरी के कुछ छुट्टियां हैं, मैंने बस हो गया मेरा काम। सो यस आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो भी आए जिन्होंने ज्वाइन किया, एंड स्पेशली वजिया जो टाइम आपके साथ गुजरा, बहुत इट वॉज फन, बहुत अच्छी मेमोरीज हैं। और वो कहते हैं ना अब वो वाला सीन है BFF, अब फॉर द लाइफ टाइम वाला सीन है इंशाल्लाह। तो वो लोग जो बाद में ना, अच्छा मेरे एलिमिनेशन के बाद काफी लोगों ने मुझे भी कॉमेंट, आपने वजिया से दोस्ती खत्म क्यों कर दी? कौन सी दोस्ती खत्म कर दी? तो कोई सोचो, मेरे घर वालों ने भी कहा था कि ये तुमसे एंड पे आके अलग अलग हो गया था, तुम्हारी दोस्ती खत्म हो गई। मैं कहा नहीं, मैं कहा आई आल्सो गिव हिम हिज टाइम इफ ही फेल्ट लाइक कि मतलब ही नीड टू डिस्टेंस। तो मैंने कहा अच्छी बात होती है दोस्ती में भी, ये चीज अच्छी होती है दैट यू टेक अ स्टेप बैक एंड यू थिंक कि इफ दिस एक्चुअली राइट रॉन्ग। हम थोड़े वक्त के लिए डिस्टेंट हुए भी थे वजिया, तो हम कहीं भी ऐसा नहीं था कि हम बिल्कुल ही इग्नोर मोड पे चले गए थे। हम खाना भी साथ बैठ के खा रहे थे, बात तो कर रहे थे हम। यस मुझे उस बात से कोई मसला नहीं है। Obviously, I called you, मुझे पता था कि I can call you, I can, मतलब कराची में भी आपको बुला सकती हूँ। So, yes, I knew that I had that feeling. So, thank you so much, Ayaz. आप आए, बहुत अच्छा लगा हम लोग यहाँ पे बैठ के बात की। It was almost like कि हम लोग सामने एक दूसरे के साथ बैठ के जिस तरह से कर रहे होते थे, अभी भी वैसा ही लग रहा था। और आई होप हम ये कंटिन्यू करते रहे। इन 1200 लोगों की गवाही में एक वादा लेना चाहूंगा कि आप जब कराची आ रही हैं तो यू हैव टू बी ऑन माय शो, सही है? यू हैव टू बी व्हाट डू यू हैव टू बी ऑन माय शो। अभी मैंने क्या कहा है, सब पूछ रहे थे कि आप यहाँ सम्मो के शो पे जाएं, मैंने कह दी आप बोले उन्हें कि आप मुझे बुलाएं शो पे। जी आ जाएं आप, बस कह दिया है हमने। ठीक है, आई एम कमिंग। चलो done, thank you, thank you, thank you guys, and thank you so much pyar aur support ke liye, thank you Ayaz, Allah Hafiz, you're welcome, thank you so much, thank you so much, Allah Hafiz, bye bye, save it, I will। How do I turn it off? ये कैसे होगा भाई, यहाँ पे जाके कहीं ना कहीं अब खुल गई है तो बंद नहीं हो रही भाई, कोई बंद करने का तरीका बता दे। चुप करो, चुप करो, नीचे होगा, नीचे होगा, स्टॉप, नीचे होगा। बाय। ये दो मैकेनिक है जिन्होंने इंजन खोल तो लिया है, इंजन बंद करना नहीं आ रहा अब। आयास चुप करो। ओके 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 बाय। Okay.